गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 7, सुभाषी तानी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पुस्तकेषु हि या विद्या, पर हस्तेषु यद् धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद् धनम्। पुस्तकेषु हि विद्या, यानी कि हम जो भी विद्या, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको पढ़कर अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं, और पर हस्तेषु यद् धनम्, और जो हमारा धन है वो अगर किसी और के पास है, कार्यकाले समुत्पन्ने, और जब सही समय आता है तो हम उस विद्या और धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, यानी पुस्तक से हम जो भी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। वृक्षा फलान्विता भाति वृक्षम धून्यते कपि, वृक्षेण वार्यन्ते तापा जलम वृक्षाय दीयते। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसारो महान्, वृक्षे खगा निकुजन्ति वृक्ष धन्योषि भूतले। वृक्षेण फलान्विता, यानी कि वृक्ष जो होता है वो कैसा होता है, फलों से भरपूर अच्छा लगता है, और जब वो फलों से भरपूर होता है तो उसके ऊपर जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं। वृक्षेण वार्यन्ते तापा, और जो वृक्ष होता है वो हमारे गर्मी को, ताप को हरता है, नष्ट करता है। जल वृक्षाय दीयते, और वृक्ष ही हमको जल प्राप्त कराते हैं। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसारो महाना, और जो वृक्ष होते हैं वो पत्तों से भरपूर होते हैं, और हमारी भूमि पर महान जो होते हैं वृक्ष वो फैले हुए होते हैं। वृक्षे खगा निकुचन्ति वृक्ष धन्योषि भूतले, और जो वृक्ष होते हैं उसके ऊपर हमारे जो पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठ के अपनी मधुर आवाज़ करते हैं, और हमारी जो भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर जो ये वृक्ष हैं वो बहुत ही सुशोभित दिखते हैं, और वो हमारी भूमि पर उनको और ज़्यादा धन्य करते हैं। न कचित कस्यचिन मित्रम न कचित कस्यचित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिप वस्तुतः। ना हमारा कोई मित्र है और ना कोई हमारा दुश्मन होता है। बच्चों जैसे कोई भी इस भूमि पर जन्म लेता है तो उसका कोई मित्र और दुश्मन नहीं होता है। ये कब होते हैं, हमारे व्यवहार से होते हैं। जब हम बच्चा बड़ा होता है उसका व्यवहार अलग अलग लोगों के साथ होता है, उसी से उसके मित्र और दोस्त बनते हैं। पीवन्ति नगा स्वयं मेघनम्भा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहा, परोपकराया सता विभूत्या। जो नदी होती है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, और वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल जो बारिश के पानी जो हमको मिलता है बादल से, उससे जो हमारी फसलें उगती हैं वो भी बादल नहीं खाता है। परोपकराया सता विभूत्या, और जो परोपकारी मनुष्य होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्र तन्या चर्मणवंती वेदिका। क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यात च या गंडकी, पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। बच्चों इसमें हमारी जो हमारी भूमि है उसके ऊपर जो इतनी सारी नदियां बह रही हैं उनकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, जैसे गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रता चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी गंडकी
ठीक है, ये जो सारी नदियां हैं वो कैसी हैं, जलों से भरपूर हैं, लेकिन इसके पश्चात भी वो लोग सब कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में जाके समा जाती हैं और हमारे लिए मंगल का कार्य करती हैं। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चवणे दुंडकम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णा न प्राणान्ते प्रकृति विकृति विकृति जार्यते सज्जनाम। घृष्टम घृष्टम यानी कि जब हम चंदन को बार बार घिसते हैं तो उसकी खुशबू और ज़्यादा तेज हो जाती है और सुगंधित हो जाती है। उसी तरह से जब हम गन्ने के डंडे को बार बार रस निकालने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो उसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सोने को हम आग में जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। न प्राणंते यानी कि इसी पश्चात जब जब कोई सज्जन पुरुष अपने अंतिम समय में प्राण त्यागता है तो वो अपने सिर्फ प्राण त्यागता, अपनी सज्जनता को नहीं त्यागता है। तो बच्चों, इस सुभाषितानी में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करेंगे। तो बच्चों, इसमें कुछ हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, वो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना, घर पर इसको एक बार आप फिर से पढ़ लेना। धन्यवाद।